अंशों का अध्यावधान अपना टॉपिक चल रहा है। अंशों के अध्यावधान में हम बार बार में यही बात करें कि जब लोकप्रिय कंपनियां अंश जारी करती हैं और जितने अंश निर्मित करना चाहती हैं उससे ज्यादा जब आवेदन मिल जाते हैं कंपनी को तो उसे अंशों का अध्यावधान है। अधिअवधान में कंपनी के सामने आवंटन की समस्या, अंश जारी करने के लिए कम है, एप्लीकेशन ज्यादा आई हुई है, सभी अंशधारियों को अंश आवंटित नहीं किए जा सकते। ऐसी स्थिति में कंपनी कुछ अंशधारियों की आवेदन राशि वापस लौटा देती है, कुछ अंशधारियों को कंपनी कम अंश देकर के संतुष्ट करती है। एप्लीकेशन पर जो राशि प्राप्त होती है उस राशि को, अधिक आवेदन राशि को आवंटन और अन्य मांग राशियों में समायोजित किया जाता है। ऐसी स्थिति में कंपनी के सामने विकल्प होता है, यदि सबसे पहले आवंटन में पैसा अगर एडजस्ट किया जा सकता है तो आवंटन में राशि समायोजित की जाती है, आवंटन के बाद तो फर्स्ट कॉल होती है, सेकंड कॉल होती है वो अग्रिम मांग राशि कहलाती है, उसमें अधिक आवेदन राशि जो प्राप्त हुई है उसको एडजस्ट किया जाता है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम अधिअवधान का, जिसमें अलग अलग श्रेणी दे रखी है, अलग अलग वर्ग दे रखे हैं। अधिअवधान का तो क्वेश्चन है ही, और उसमें भी एक वर्ग में 10,000 आवेदन, 8,000 अंश दिए, 15,000 एप्लीकेशन आई और 10,000 अंश दिए, इस तरह का जब क्वेश्चन हमारे सामने होता है तब हमको एक टेबल बनानी पड़ती है और उस टेबल के माध्यम से राशि एडजस्टमेंट करने की हम बात कहीं ना कहीं आपके करते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ही मैं किताब में से ले रहा हूं। आगे के आपको दिया हुआ है कि 10 रुपए वाले 20,000, 10 रुपए वाले 20,000 सामान्य अंश है और इसमें आपको कंपनी जो पैसा मांग रही है 3 रुपए एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए और फर्स्ट कॉल के 3 रुपए, कुल मिलाकर के इस तरह 10 रुपए आपके मांगे जा रहे हैं। 41,000 आवेदन प्राप्त, 41,000 एप्लीकेशन क्या हुई है हमको रिसीव हुई, कंपनी 20,000 अंश जारी करना चाहती है, 10 रुपए का अंश है, 3 रुपए एप्लीकेशन पर लेगी, 4 रुपए कंपनी आवंटन पर लेना चाहती है और 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर लेना चाहती है। कितने आवेदन आ गए, 41,000 अगर आवेदन प्राप्त हुए हैं। आगे आपको कह रहा है कि 3,000 अंशों के आवेदकों को, 3,000 एप्लीकेशन को कोई आवंटन नहीं, दूसरा 10,000 अंशों के आवेदकों को 70%, 10,000 अंशों के आवेदकों को 70% दस हजार एप्लीकेशन आई,
41,000 जो आवेदन आए हैं, 3,000 एप्लीकेशन को कंपनी कोई अंश नहीं देना चाहती, 10,000 अंशों के आवेदकों को 70% अंश दिए जाएंगे। कहने का मतलब जो 10,000 एप्लीकेशन आई है कंपनी उनको 10,000 अंश ही देगी। इसके अलावा आपको कह रहा है 12,000 अंशों के आवेदकों को, 12,000 अंशों के आवेदकों को कितना परसेंट? 50% तथा 16,000 अंशों के आवेदकों को 16,000 अंशों के आवेदकों को 25% ये अंश दिए जाएंगे। अधिक आवेदन राशि आवंटन तथा मांग राशि में सहायता। सभी राशियां समय पर वसूल होगी। आप सब जनक दृष्टि जनरल दृष्टिया दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप वापिस देख लीजिए। कंपनी 20,000 अंश जारी करना चाहती है, एक अंश 10 रुपए का है और 10 रुपए का जो विभाजन है कंपनी के लिए 3 रुपए तो हम एप्लीकेशन पर लेंगे, 4 रुपए हम अलॉटमेंट पर लेंगे और 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर लेंगे। 10 रुपए का अंश 10 में ही जारी किया जा रहा है, सममूल्य या जिसको हम कहते हैं अंकित मूल्य पर। लेकिन 20,000 के लिए 41,000 आवेदन मिल गए। अंशों का अधिग्रहण का हमारा टॉपिक है। 41,000 में से जो 3,000 एप्लीकेशन आई कंपनी उसको कोई अंश आवंटित नहीं कर रही, इसका मतलब उनका आवेदन की राशि क्या की जाएगी? वापस लौटेगी। 10,000 अंशों के आवेदकों को 70% 10,000 एप्लीकेशन आए और कंपनी उनको 10,000 अंश ही देना चाहती है, 12,000 अंशों के आवेदकों को 50%, 12,000 एप्लीकेशन आए 50% मतलब 6,000 अंश देगी कंपनी, 16,000 अंशों के आवेदकों को 25% अंश देना चाहती है कंपनी, इसका लगभग 16,000 अंशधारियों को कंपनी 4,000 अंश आवंटित करेगी। आगे हमको ये दिया है कि जो पैसा ज्यादा आया होगा उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं और आगे की कॉल में भी पैसा एडजस्ट किया जा सकता है फर्स्ट कॉल में। एक हम विश्लेषण ताल का बनाएंगे जिससे हम ये ज्ञात करेंगे कि कितनी राशि आवंटन में एडजस्ट होनी चाहिए, कितनी राशि रिटर्न की जाएगी, रिफंड की जाएगी, इसके अलावा कितनी राशि आपके फर्स्ट कॉल में समायोजित करने की हम बात करेंगे। एक विश्लेषण ताल का एनालिटिकल टेबल हम बना रहे हैं।
सबसे पहले उसमें कैटेगरी नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने आवेदन आए और कितने शेयर हमने उनको अलॉट किए, जैसे कैटेगरी में फर्स्ट में कर दूं 3000 एप्लीकेशन आई है और कोई ऐसी कंपनी उनको नहीं देना चाहती, श्रेणी फर्स्ट में 3000 आवेदन आए और कंपनी उसको एक भी अंश नहीं दे रही, ये शेयर्स हैं नंबर ऑफ शेयर्स, 3000 अंशों के लिए एप्लीकेशन आई लेकिन कंपनी ने एक भी अंश नहीं दिया। श्रेणी सेकंड 10000 आवेदन आए और कंपनी उनको 10000 अंश ही देना चाहती है, 10000 एप्लीकेशन और कंपनी कितने अंश देना चाहती है उनको 10000 अंश देना चाहती है। श्रेणी थर्ड में आपको कह रहा है 12000 आवेदक 12000 एप्लीकेशन आई और उनको हम 50% 6000 अंश दे रहे हैं। श्रेणी चौथी श्रेणी मैंने जो कर दी एबीसीडी भी कर सकते हैं हम इसको, 16000 एप्लीकेशन आई 25% 4000 अंश हमने उनको दिए। श्रेणी फर्स्ट में हमने माना 3000 आवेदन आए और उनको कोई भी अंश कंपनी वंटित नहीं कर रही, 10000 आवेदकों को कंपनी कह रही है कि हम 100% अंश देंगे, 10000 एप्लीकेशन आई और 10000 अंश हमने उनको दे दिए। 12000 एप्लीकेशन आई 50% अलग 6000 अंश दे रही कंपनी को, 16000 एप्लीकेशन आई 25% अंश कंपनी दे रही है, 4000 अंश कंपनियों को दे रही। तो कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं 41000 आवेदन आए थे 41000 अंशों के लिए और उनको कंपनी ने 20000 अंश बंटित कर दिए। अब हम ये देखेंगे कि एप्लीकेशन कितनी वास्तव में प्राप्त हुई और मिलनी कितनी चाहिए थी। तीन कॉलम में बना रहा हूं यहां पर, एक्चुअल एप्लीकेशन रिसीव और एप्लीकेशन ड्यू, और एक कॉलम बना रहा हूं मैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। हम ये देखना चाहते हैं कि वास्तव में कितनी आवेदन राशि हमको मिली। अब मैं देखूं 3000 अंशों के लिए आवेदन आए, एक अंशधारी से कंपनी ₹3 एप्लीकेशन पर प्राप्त कर, तो 3000 अंशधारियों से ₹9000 आवेदन पर हमको मिलेंगे। ऐसे ही श्रेणी सेकंड में 10000 अंशधारियों से ₹3 के हिसाब से ₹30000 आवेदन पर प्राप्त हुए, 12000 अंशधारियों से ₹3 के हिसाब से ₹36000 प्राप्त हुए, 16000 अंशधारियों से ₹3 के हिसाब से ₹48000 का। ये जो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आई थी 3000 के लिए ₹3 के हिसाब से ₹9000 आवेदन पर मिले, 10000 अंशधारियों से ₹30000 मिले, 12000 अंशधारियों से ₹36000 मिले, 16000 आवेदकों से ₹48000 हमको वास्तव में आवेदन के रूप में प्राप्त। लेकिन कंपनी ने पहले वर्ग को कोई अंश दिए ही नहीं, कंपनी पहले वर्ग से कोई अंश एप्लीकेशन पर चाहती ही नहीं थी,
उनको कोई अंश दिए ही नहीं तो कोई पैसा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दूसरे वर्ग में 10,000 अंश कंपनी देना चाहती है तो 10,000 अंश आने से 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए आने चाहिए। 6,000 अंशधारियों को अंश बांट रही कंपनी तो 6,000 अंशधारियों से 3 रुपए के हिसाब से 18,000 रुपए मिलने चाहिए थे और 4,000 अंशधारियों से 3 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए हमको एप्लीकेशन मिलनी चाहिए। मिली इतनी वास्तव में और मिलनी कितनी चाहिए थे एलोटेड शेयर्स के आधार पर इतने इतने अंश दे रहे हैं हमको, इसके हिसाब से हमको आवेदन राशि मिलनी चाहिए थी। 4,000 अंश दे रही कंपनी चौथे वर्ग को तो 4,000 अंश धारियों से 3 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए मिलने चाहिए। 6,000 अंश दे रही 3 रुपए के हिसाब से 18,000 आवेदन राशि मिलनी चाहिए। अब इन दोनों का अंतर, 9,000 एप्लीकेशन प्राप्त हो गई, मिलना कुछ भी नहीं चाहिए था, इसका मतलब पूरे 9,000 रुपए ही हमको ज्यादा मिले हैं, अधिक प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 30,000 एप्लीकेशन प्राप्त हुई और होली भी जी 30,000 थी, कोई भी अतिरिक्त राशि हमको नहीं मिली है। 36,000 रुपए आवेदन के मिले, मिलने चाहिए 18,000 ज्यादा है तो 18,000 रुपए एक्सेस में 48,000 मिलने चाहिए थे, मिले 48,000 मिले, मिलने चाहिए थे 12,000, 36,000 रुपए हमारे पास ज्यादा है। हमने ये निकाल लिया कि इतनी राशि मिली और मिलनी इतनी चाहिए थे, इसका अंतर कितना पैसा हमको ज्यादा मिला आवेदन के रूप में, ये राशियां हमको आगे समायोजित करनी पड़ेगी। ये जो राशियां आई हैं, जो अधिक आवेदन राशि जो प्राप्त हुई है, इस राशि को सबसे पहले हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, कंपनी फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेगी और उसके बाद रिफंड करेगी। 3 कॉलम बनेंगे, एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट, एडजस्टमेंट इन फर्स्ट कॉल और रिफंड या रिटर्न। अब आप देखिए इस वर्ग में कंपनी ने किसी को कोई अंश दिए ही नहीं, इधर जो एप्लीकेशन आए थे कंपनियों को कोई अंश देना ही नहीं चाहिए, इसका अलग ना अलॉटमेंट में अंश ही नहीं मिलेंगे, ना अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट होगा ना फर्स्ट कॉल में, ये पूरे 9,000 की राशि हमको वापिस लौटानी पड़ेगी। 9,000 जो आवेदन राशि मिली है पूरे 9,000 रुपए ही क्या करने पड़ेंगे, लौटाने पड़ेंगे। यहां कोई राशि ज्यादा आई नहीं है, कोई एडजस्टमेंट करने की रिफंड करने की आवश्यकता ही नहीं। अब आप देखिए 36,000 रुपए आवेदन के मिले, मिलने चाहिए 18,000, 18,000 जो ज्यादा आए हैं, इस 18,000 को कंपनी एडजस्ट करेगी और सबसे पहले कोशिश ये करेगी कि आवंटन में ही राशि एडजस्ट करे। कंपनी ने 6,000 अंश दिए हैं, 6,000 अंशधारियों से कंपनी 4 रुपए के हिसाब से 24,000 रुपए अलॉटमेंट मांगेगी। देखिए आप कितने रुपए समायोजित करने, कितने अंश दिए इस वर्ग को कंपनी ने, 6,000 अंश, तो 6,000 अंशधारियों से कंपनी 4 रुपए के हिसाब से 24,000 रुपए आवंटन मांगेगी इस वर्ग से, तो 24,000 रुपए तक हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे को केवल 18,000 एडजस्ट करने हैं तो 18,000 यहीं पर एडजस्ट हो गए, ना फर्स्ट कॉल में जाने की जरूरत है ना वापस लौटाने की आवश्यकता। इस वर्ग में आइए कितने अंश दिए कंपनी ने, 4,000 अंश दिए और 4,000 अंश दाने से कंपनी वही 4 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट पर 16,000 रुपए मैक्सिमम मांग सकती है, तो 16,000 रुपए तक हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, तो 16,000 रुपए तो अलॉटमेंट में एडजस्ट होंगे। इसके बाद भी अभी 20,000 रुपए हमारे पास ज्यादा है, फर्स्ट कॉल में 3 रुपए के हिसाब से
12,000 रुपये, 4,000 से 3 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए फर्स्ट फॉर मंगी कंपनी, तो 12,000 रुपए मैक्सिमम एडजस्ट हो सकते हैं। तो अभी 16,000 और 12,000, 28,000 रुपए ही राशि फर्स्ट फॉर तक एडजस्ट हो पाई है। इसका मतलब 8,000 रुपए रिफंड करने पड़ेंगे। आप देखिए कितने रुपए रिफंड करने पड़ेंगे, ये हम सारांश निकाल रहे हैं इस टेबल से। 9,000 ये वापस किए और 8,000 ये वापस किए, तो एप्लीकेशन लौटाने की जो हम एंट्री बनाएंगे वो 17,000 से बनेगी। एप्लीकेशन की राशि जो लौटाई जाएगी वो कितने रुपए लौटाई जाएगी, 17,000। 12,000 रुपए फर्स्ट फॉर में एडजस्ट होंगे, 34,000 रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट होंगे। देखिए आप 18,000, 16,000, 34,000 रुपये अलॉटमेंट में राशि एडजस्ट की जाएगी, 12,000 रुपये फर्स्ट कॉल में एडजस्ट की जाएंगे, और 17,000 रुपये हम क्या करेंगे, कंपनी इस राशि को रिफंड करेगी या रिटर्न करने की बात आपके करेगी। ये टेबल बन गई। ये टेबल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कब बनानी है आपको? अभी तक अंशों का दिया था क्वेश्चन था, केवल यही होता है 20,000 अंशों के लिए 41,000 आवेदन आए, 3,000 आवेदनों को कोई अंश नहीं दिए, आपको ये टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अलग अलग जब श्रेणी दे रखी हो, क्वेश्चन 10,000 आवेदकों को 70%, 12,000 आवेदकों को 50%, 16,000 आवेदकों को 25% हम अंशों की देना चाहती है, तब हम ऐसी स्थिति में ये विश्लेषण तालिका बनाएंगे जिससे हम ये निकालेंगे कि कितना पैसा तो एप्लीकेशन पर ज्यादा मिला है, आवंटन में कितनी राशि एडजस्ट करनी है, फर्स्ट कॉल में कितनी राशि एडजस्ट करनी है, और कितनी राशि हमको रिफंड करनी है। ये टेबल आपके पास बन गई। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं आपको, सबसे पहले ये हमने श्रेणी मान ली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एबीसीडी भी कर सकते थे इस श्रेणी को। दो कॉलम बनाए हमने, क्वेश्चन ये एक तरह से नंबर ऑफ एप्लीकेशन, कितने आवेदन आए, कितने अंशों के लिए एप्लीकेशन आए और कितने अंश कंपनी ने उनको दिए, कितनी एप्लीकेशन आई और कितने अंश कंपनी ने उनको दिए। जैसे फर्स्ट श्रेणी में 3,000 एप्लीकेशन आ गए और कंपनी ने उनको कोई अंश नहीं दिए, 10,000 एप्लीकेशन, 10% मतलब 10,000 को 10,000 अंश देना चाहती है कंपनी, तो ये 10,000 अंश दे दिए। तीसरे वर्ग में 12,000 आवेदकों को 50% अंश देना चाहती है कंपनी, तो 12,000 एप्लीकेशन आई, 50% वाला 6,000 अंश देना चाहती है। अगला जो वर्ग है 16,000 आवेदक आए, कितने परसेंट कंपनी पैसा देना चाहती है, सॉरी 16,000 आवेदकों को 25% अंश देना चाहती है, तो 16,000 आवेदकों को 16,000 में 25% 4,000 अंश देना चाहती है। एक तरह से एक क्वेश्चन ये हुआ है। तीन कॉलम बनाने हैं हमको, वास्तव में आवेदन राशि कितनी मिली, एक्चुअल एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन मिलनी कितनी चाहिए थी, और इन दोनों का जो अंतर है वो हमको ये बताएगा कि कितना पैसा आवेदन के रूप में ज्यादा मिला है। ये जो एप्लीकेशन आई अपने शेयरों के लिए, इसको हमने एप्लीकेशन की राशि जो है 3 रुपए से गुणा किया, 9,000 रुपए आवेदन के रूप में मिले, 20,000 रुपए 10,000 इंटू 3, 12,000 इंटू 3 एप्लीकेशन, 36,000 और 16,000 इंटू 3 ये एप्लीकेशन मिली। एप्लीकेशन मिलनी कितनी चाहिए थी, जितने अंश दिए उसके हिसाब से तो आवेदन राशि मिलनी चाहिए थी, कोई अंश नहीं दिए कोई आवेदन राशि नहीं आनी चाहिए थी हमको, 10,000 अंश दानी से कोई 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपये मिलने चाहिए थे, 6,000 अंश दानी से 3 रुपए के हिसाब से 18,000 मिलने चाहिए थे, 4,000 अंश दानी से 3 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपये।
कितना पैसा एक्सेस एप्लीकेशन मनी के रूप में मिला? ₹9,000 वास्तव में मिले, मिलने कुछ नहीं चाहिए थे, पूरे ₹9,000 ही हमारे पास जा रहे हैं। ₹30,000 मिले, मिलने भी ₹30,000 ही चाहिए थे, कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं है हमारे पास, कोई आवेदन का पैसा ज्यादा नहीं मिला। कितने रुपए मिले? ₹36,000। मिलने कितने चाहिए थे? ₹18,000। कितने अतिरिक्त राशि आई हमारे पास? ₹18,000। ₹48,000 मिले, मिलने कितने चाहिए थे तेरे को आवेदन के रूप में? ₹12,000। तो ₹36,000 आवेदन के रूप में ज्यादा है एप्लीकेशन के। ये राशियां आगे समायोजित करेंगे हम। क्वेश्चन में आपको साफ लिखा हुआ है कि अतिरिक्त जो आवेदन राशियां हैं कंपनी आवंटन में एडजस्ट कर सकती है, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर सकती है, और नहीं होगा तो उसको वापस करेगा। ये जो राशियां ज्यादा आई थी उनको हम समायोजित करेंगे। सेकेंड वर्ग में तो ज्यादा आएगी कुछ भी, तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट वर्ग में भी आसान है, ₹9,000 ज्यादा है लेकिन कंपनी उनको कोई अंश दे ही नहीं, अंश देती तो अगली किस्तों में राशि एडजस्ट होती, तो पूरे ₹9,000 ही क्या करने पड़ रहे हैं कंपनी को वापस लौटाने पड़ रहे हैं। यहां पर हम देख रहे हैं ₹18,000 ज्यादा आए थे एक्सेस में, ₹18,000 जो ज्यादा आए थे कंपनी 6,000 अंशधारियों से अलॉटमेंट पर ₹4 के हिसाब से, ध्यान दीजिए अलॉटमेंट में क्यों एडजस्ट किया है, 6,000 अंशधारियों से, तीसरे वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, 6,000 अंशधारियों से ₹4 के हिसाब से ₹24,000 अलॉटमेंट मांगेगी। कितने रुपए मांगेगी? ₹24,000 तक हम इस वर्ग में आवंटन में राशि एडजस्ट कर सकते हैं। कितनी एडजस्ट करनी है आपको? उनको 4,000 से ₹4 के हिसाब से अलॉटमेंट पर ₹16,000 मांगे गए, तो ₹16,000 मांगे जाएंगे, तो ₹16,000 तक ही कंपनी इसमें समायोजित कर सकती है। तो मैक्सिमम हम तो चाहते थे कि 36,000 यही एडजस्ट हो जाए, लेकिन 4,000 से ₹4 के हिसाब से ₹16,000 मांगे जा रहे हैं, तो ₹16,000 ही हम आवंटन में समायोजित कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल में 4,000 से ₹3 के हिसाब से ₹12,000 एडजस्ट हो जाएंगे, तो भी हमारे ₹28,000 ही एडजस्ट हो पाए। ₹8,000 फिर भी हमारे ज्यादा हैं और कंपनी के पास कोई विकल्प नहीं है, तो ₹8,000 जो ज्यादा है रिफंड करने पड़ेंगे लौटाने। इस तरह ये ₹17,000 तो वापस लौटाने की एंट्री बनी, ये फर्स्ट कॉल में ₹12,000 एडजस्ट होंगे, ₹34,000 अलॉटमेंट में आपके एडजस्ट किए गए। ये टेबल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसकी सहायता से ही हम जनरल प्रविष्टियां करेंगे। ये जो अंशों का निर्माण और ऋण पत्रों का निर्माण वाला जो लेसन है नए सिलेबस के अनुसार, आपके ये लेसन 12 नंबर का है कोर्स में, 12 नंबर के क्वेश्चन इसमें से निश्चित रूप से आएंगे। ये टेबल आप इसको उतार सकते हैं। अब हम इसके बाद एंट्रियां करेंगे, क्या करेंगे हम जनरल प्रविष्टियां तैयार करेंगे। मैं इस टेबल को मिटा रहा हूं, सबसे पहले जब हमने टेबल बना ली उसके बाद में
जर्नल प्रविष्टियां हम चालू कर रहे हैं और पहली एंट्री जो हमेशा की तरह आवेदन राशि प्राप्त होने का शीर्षक के अंतर्गत हमारा आवेदन राशि प्राप्त होने का आवेदन राशि प्राप्त होने का 41,000 एप्लीकेशन आई 41,000 से 3 रुपए के हिसाब से 1,23,000 रुपए हमको आवेदन के रूप में मिले। एंट्री हुई है, बैंक अकाउंट दिया 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 41,000 से 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए आवेदन के रूप में मिले हमको 1,23,000 रुपए आवेदन के रूप में मिले। कितने एप्लीकेशन आई थी 41,000 से 3 रुपए के हिसाब से 1,23,000 रुपए आवेदन के रूप में मिले। दूसरी एंट्री आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन की जो राशि ज्यादा मिली कंपनी को उस राशि को कंपनी पूंजी खाते में ट्रांसफर करेगी। कंपनी तो केवल 20,000 से एप्लीकेशन चाहती थी, 20,000 से कंपनी को 3 रुपए के हिसाब से आप देखें 60,000 रुपए ही एप्लीकेशन के रूप में मिले थे, तो 60,000 रुपए ही पूंजी खाते में ट्रांसफर किए गए। कहने का मतलब ये जो 1,23,000 मिले चाहिए थे 60,000, 63,000 रुपए एप्लीकेशन पर जो ज्यादा मिले हैं ये 63,000 रुपए में से आपने देखा था 17,000 तो कंपनी रिफंड कर रही है, 12,000 रुपए फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किए जा रहे थे और आपने देखा था 34,000 रुपए जो टेबल में निकला था इसमें एडजस्ट किए गए थे अलॉटमेंट। तो ये जो टोटल 63,000 रुपए जो ज्यादा मिले उसका हिसाब उस टेबल से हमको मिला। वैसे भी 20,000 के लिए 41,000 अंशों के लिए एप्लीकेशन आई है, 21,000 आवेदन ज्यादा है, तो 21,000 ज्यादा है, 21,000 × 3 63,000 रुपए ज्यादा मिले हैं। तीसरी एंट्री हुई सरल है, आवंटन राशि मांगने, आवंटन राशि मांगने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल आवंटन राशि जो मांग रहे हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 से कंपनी 4 रुपए के हिसाब से आवंटन पर कितनी राशि मांगेगी
₹80,000 मांगे, 20,000 अंशधारियों से 4 रुपए के हिसाब से आवंटन के ₹80,000 मांगे गए। ये 3 एंट्रियां होंगी। इसके बाद में चौथी एंट्री जो हम बनाएंगे आवंटन राशि मांगने के बाद आवेदन राशि लौटाने पर, आवेदन राशि लौटाने आवेदन राशि लौटाने पर एप्लीकेशन प्राप्त हुआ था जब बैंक दिया टू एप्लीकेशन और एप्लीकेशन की राशि वापस करेगी कंपनी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू बैंक। हमने जो टेबल में लास्ट कॉलम जो बनाया था उसमें ₹17,000 वापस लौटाने पड़ते हैं कंपनी को। तो ये एंट्री आपके आवेदन राशि प्राप्त होने की एंट्री बैंक डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बनती है और लौटाने की हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डीआर टू बैंक। इसके बाद में आवेदन राशि को आवंटक तथा मांग राशि में समायोजित करने का तथा मांग राशि में समायोजित तो एप्लीकेशन का जो पैसा ज्यादा आया था उस समय क्रेडिट हुआ करता था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया जितनी राशि अलॉटमेंट में कंपनी एडजस्ट कर रही है तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और आगे की जो कॉल है फर्स्ट कॉल वो टू कॉल्स इन शेयर्स। तो अलॉटमेंट में ₹34,000 एडजस्ट किए गए, ₹12,000 फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किए गए, तो कुल मिलाकर के ₹46,000 दोनों किस्तों में आपके समायोजित कर रही है कंपनी। ₹17,000 लौटा दिए, ₹63,000 में से ₹46,000 में से ₹34,000 ने टेबल ऑनलाइन किया भी, ₹34,000 अलॉटमेंट में जमा होंगे और ₹12,000 यहाँ पर करेंगे कॉल्स इन एडवांस। अगली एंट्री जो बनेगी आवंटन राशि प्राप्त होने पर, आवंटन राशि प्राप्त होने पर एंट्री सरल है, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अब एक 20,000 अंशधारियों से कंपनी ने 4 रुपए के हिसाब से ₹80,000 मांगे थे, ₹80,000 मांगे थे लेकिन ₹80,000 में से ₹34,000 पहले ही जमा हो गए और सभी अंशधारियों ने ₹80,000 मांग रहा हूँ ₹34,000 पहले ही जमा हो गए तो इसका मतलब ₹46,000 प्राप्त होंगे। तो बैंक डीआर टू अलॉटमेंट जो एंट्री बनेगी वो ₹46,000 से आवंटन राशि जो प्राप्त होगी वो कितने रुपए प्राप्त होगी ₹46,000 आप होगी कैसे ₹80,000 मांग रहे हैं 20,000 अंशधारियों से 4 रुपए के हिसाब से ₹34,000 पहले ही जमा है तो ₹46,000 बैंक डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपके एंट्री बने। कौन सी कॉल मांगेगी कंपनी फर्स्ट कॉल की राशि मांगेगी फर्स्ट कॉल मांगने प्रथम मांग राशि दे होने पर प्रथम मांग राशि दे होने पर कैपिटलिंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल सर 20,000 अंशधारियों से 3 रुपए के हिसाब से
कितने रुपए मांगे जाएंगे, 60,000 रुपए मांगे जाएंगे, 20,000 से 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए मांगे। अब जो अग्रिम मांग राशि है, अग्रिम मांग राशि प्रथम मांग में समायोजित करने पर अग्रिम राशि जो प्राप्त हुई थी, अग्रिम राशि में जो हमने स्कोर के रूप में आपके पैसे एडजस्ट किया था, तो वहां पॉलिसी इन एडवांस क्रेडिट हुआ था। अब पॉलिसी इन एडवांस अकाउंट दिया तो कौन सी किस्त में जमा करेगी कंपनी इस पैसे को, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट को कितने रुपए से 12,000 रुपए सीएनडी। पॉलिसी इन एडवांस अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर फर्स्ट, और लास्ट एंट्री तो हमारी बनेगी प्रथम मांग राशि प्राप्त होने पर। प्रथम मांग राशि प्राप्त होने के कितने रुपए से 60,000 मांगे, 12,000 रुपए पहले आपके अग्रिम आ गए तो 48,000 रुपए प्राप्त होंगे, तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट को 60,000 में से 12,000 रुपए पहले आ गए तो कितने रुपए ही प्राप्त होंगे, 48,000 रुपए ही हमको प्राप्त होंगे। तो ये तीन एंट्री, फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री 20,000 से 3 रुपए के हिसाब से 60,000 मांगे, 12,000 रुपए जो अग्रिम आए थे वो एडजस्ट कर दिए और प्रथम कॉल के पैसा प्राप्त हो गया। फर्स्ट कॉल की राशि आपकी क्या हो गई, प्राप्त हो गई, तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इस तरह की एंट्री बनेगी, ये टेबल आपके बनेगी। ये क्वेश्चन हमको देखना है, समझना है। आप मेरे से बाद में भी इस क्वेश्चन में अगर कहीं आपको दिक्कत महसूस करें तो आप मेरे से फोन पे भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज का ये टॉपिक मैं अभी यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।